एवरीवन, वंस अगेन वापस देखना आप हमारा आज का जो टॉपिक है, क्लियर कर लेना। गारंटी ऑफ पार्टनर प्रॉफिट के लिए जो गारंटी दी जाएगी, यानी जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को किसी पार्टनर को गारंटी दी जा रही है या फ्रॉम पार्टनर को गारंटी दे रहा है, उसको यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, तो गारंटी के टाइप है हमारे पास, टू टाइप की गारंटी आएगी यहाँ पे। फर्स्ट टाइप की गारंटी है गारंटी बाय फर्म, यानी ये क्या कह रही है, तीन जो पार्टनर है, दो पार्टनर जैसे ए और बी पार्टनर है यहाँ पे, और ये हमारे पास फर्म है, तो यहाँ पे फर्म क्या कहेगी, ए बी के लिए जो ए और बी कंबाइंड में फर्म है, ए और बी मिलकर फर्म है, वो एक सी नया पार्टनर है, उसको बिजनेस में एंटर कर रही है और सी को ये बोलेगी कि आप हमारे बिजनेस में एंटर हो तो हम आपको ये प्रॉफिट अर्न करके देंगे, इतना प्रॉफिट आपको दिया जाएगा, उसको तो बोला जाएगा गारंटी बाई फ्रॉम। अब देखना यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट चलता है हमारे पास, गारंटी बाई पार्टनर। अब गारंटी बाई पार्टनर किस प्रकार से है उसको देखना आप, कहते हैं ए और बी है, ये दोनों है। अब इन दोनों को ये सी थर्ड पार्टी है, ध्यान से देना, सी थर्ड पार्टी है, तो ये सी ए और बी को गारंटी दे रहा है। सी किसको दे रहा है, ए और बी को गारंटी दे रहा है, क्योंकि पार्टनर आ गया ना सी, सी ए और बी एज ए फर्म है, ये कंबाइंड में फर्म हो गई, तो सी ए और बी को पार्टनर गारंटी दे रहा है कि आप मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कर लो, मैं आपको इतना प्रॉफिट अर्न करके दूंगा। अब हम इसके बारे में इसके डिस्क्राइब करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चलते हैं। हाँ, अब देखना आगे जो फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास, गारंटी बाय फर्म, फर्म गारंटी दे रही है, फर्म है ए और बी की, फर्म है ए और बी की, फर्म है, ये दोनों मिलके सी को इनवाइट करना चाह रही है, ये दोनों मिलके सी को इनवाइट करना चाह रही, सी को ज्वाइन करना चाह रही कि आप हमारे पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन हो जाए, हम आपको इतना प्रॉफिट अर्न करके देंगे या इतना प्रॉफिट आपको दिया जाएगा, आपकी गारंटी है उसकी। तो उसका क्या प्रोसेसिंग है, उस क्वेश्चन को सोल्व करने का या उसका थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है, देखना क्या करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या किया जाएगा, जितनी भी हमारे पास टोटल प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से गारंटी जिसको रिसीव हो रही है उस पार्टनर को अमाउंट दे दिया जाएगा, प्रॉफिट रेशियो दे दिया जाएगा। क्या करा है देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल द गारंटीड पार्टनर, जिस पार्टनर को गारंटी रिसीव हो रही है, विल बी गिवन, उसको दे दी जाएगी हिज शेयर, उसका हिस्सा, जितने हिस्से के लिए बिजनेस में एंटर हुआ आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट में से। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है इसमें, ए और बी के बाद सी एंटर हो गया, उसको प्रॉफिट की गारंटी दे दी। अब सी को पेमेंट करने के बाद या जिस गारंटीड पार्टनर को पेमेंट करने के बाद जो रिमेन प्रॉफिट बचेगा, उस रिमेन प्रॉफिट को ओल्ड जो पार्टनर है, यहाँ पे ए और बी है, उस रिमेन प्रॉफिट को रिमेन पार्टनर अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगला पॉइंट क्या है देखना, देन द रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट विल बी शेयर्ड, बांटा जाएगा, शेयर किया जाएगा बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, बचे हुए पार्टनर्स में, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अभी इसका प्रैक्टिकल पोर्शन या बोर्ड पे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे चलते हैं, गारंटी बाय पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर। अब इसमें देखना क्या कहता है, गारंटी बाय पार्टनर में ए एंड बी है, ये दोनों फर्म है मिला के, और इंडिविजुअल इनको अलग अलग बोला जाएगा यहाँ पे पार्टनर। अब या तो ये दोनों मिला के या इनमें से कोई एक, ए ए क्या करता है सी को बुलाएगा, ए क्या करता है सी को बुलाएगा, या सी क्या करता है इस फर्म को, सी क्या कहेगा ए बी फर्म को, क्या कहेगा कि आप मुझे अपने बिजनेस में ज्वाइन कर लो, मैं आपकी फर्म को इतना प्रॉफिट एनुअल अर्न करके दूंगा, अगर नहीं हो पाता है तो जो मेरी गारंटी है उसको कम कर दिया जाएगा। देखना क्या कर रहा है, इसके प्रोसेसिंग को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ए और बी पार्टनर थे, ए और बी पार्टनर थे,
उसके बाद में सी पार्टनर यहाँ पे एंटर हुआ हमारे पास। अब इन तीनों का ए बी एंड सी जो भी तीनों पार्टनर है, चार पार्टनर जितने भी न्यू पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, उन सबका टोटल में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट किया जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ध्यान देना, हाईलाइट कर दिया मैंने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ फाइंड आउट किया जाएगा। अब आगे दूसरा पॉइंट बढ़ते हैं हम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करने के बाद जितना भी हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 50,000 30,000 लास्ट में जितना भी नेट प्रॉफिट था, उस नेट प्रॉफिट को जो हमारे पास न्यू रेशियो आया था उसमें क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। आगे है, आगे क्या कहता है, बांटने के बाद ध्यान देना, अब जैसे बात करते हैं हम इस सी पॉइंट की बात करते हैं, सी के अमाउंट कम रह जाती है, सी की अमाउंट कम रह जाती है तो जिसने गारंटी बोर्न की थी, जैसे सी ने सी को एंटर किया किसने, एने, तो सी को अगर प्रॉफिट कम मिलता है तो उसकी गारंटी किसके द्वारा बोर्न की जाएगी, ए के द्वारा बोर्न की जाएगी। तो ये क्या कहता है, देन द शॉर्टफॉल यानी कमी की राशि इन द शेयर ऑफ द गारंटीड पार्टनर, गारंटीड पार्टनर को जितना कम मिलेगा विल बी बोर्न, उसको वहन किया जाएगा बाय द पार्टनर पेबल टू गारंटी, जितने की गारंटी दी जा रही है। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हम अपने पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा पॉइंट है गारंटी। आज के टॉपिक का नाम है हमारा गारंटी, तो ध्यान देना गारंटी टू टाइप की बताई थी, डायरेक्ट अगर आपको वहां समझ में नहीं आया तो यहां देख लेना। गारंटी, फर्स्ट गारंटी को सोल्व करते हैं हम। फर्स्ट गारंटी है गारंटी बाय फर्म, गारंटी बाय फर्म है। अब मैं यहां पे थ्योरेटिकल पोर्शन तो आपको क्लियर कर दिया है, अब मैं यहां पे प्रैक्टिकल पोर्शन क्लियर कर रहा हूं। एक नॉर्मल क्वेश्चन लेके ध्यान देना, गारंटी बाय फर्म किस प्रकार से होगी। ये कह रहा है ए एंड बी, ए एंड बी कोई दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो दे रखा है 2:3, उनका रेशियो है 2:3। यहां पे सी एडमिट हो रहा है, सी बिजनेस में एडमिट हो रहा है, और जो सी एडमिट हो रहा है सी का शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 है, सी का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है 1/3 है, और सी की गारंटी, सी की गारंटी यहां पे 20,000 है, ध्यान देना सी की गारंटी यहां पे 20,000 है कि सी जब बिजनेस में एंटर होगा तो सी को गारंटी मिल रही है कि आपको 20,000 पेमेंट एनुअल किया जाएगा पर एनम। आगे हम क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, नेट प्रॉफिट, नेट नेट प्रॉफिट ध्यान देना, हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। अब नेट प्रॉफिट हमारे पास यहां पे हम ले लेते हैं, देखना हम नेट प्रॉफिट जो हमारा है उस नेट प्रॉफिट को हम ले लेते हैं यहां पे 50,000 ले लिया, नेट प्रॉफिट को हमने ले लिया। अब क्वेश्चन इतना ही बन रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखें, क्वेश्चन ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ए और बी बिजनेस में 2:3 पार्टनर है, सी को एडमिट दिया 1/3 पार्ट के लिए 1/3 शेयर के लिए, सी की गारंटी मिनिमम गारंटी कम से कम गारंटी एनुअल है यहाँ पे 20,000, गारंटी पे करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 50,000 गारंटी पे करने से पहले। क्लियर, इसके बाद में इस क्वेश्चन में यहाँ पे इन लाइनों में ये नहीं कहा गया है आपको कि गारंटी किसी पार्टनर के द्वारा पे की जा रही है या गारंटी किसी फर्म के द्वारा पे की जा रही है। देखो देखे ना, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, समझना मेरी बात, सुनना, देखना होगा, हाँ भाई साइलेंट, ध्यान देखना, अगर आपके हेडिंग डाली हुई है गारंटी बाय द फर्म, अगर हेडिंग नहीं डाली हुई है तो भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता क्वेश्चन में कि गारंटी किसके द्वारा पे की जा रही है, तो ध्यान से सुन लेना, वो गारंटी पे की जाएगी
फर्म के द्वारा, गारंटी फर्म के द्वारा पे की जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ध्यान देना, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं और सोल्व करने के लिए हमें चाहिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सोल्व किया जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर इफेक्टिव करने के लिए। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर एंड अमाउंट, ध्यान से देखना, ये पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने यहां पे प्रिपेयर कर दिया गया है। अब पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करेंगे हमारा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्रेडिट में राइट किया जाएगा बाई नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ था क्वेश्चन में हमारे पास 50,000 था, नेट प्रॉफिट हमने राइट कर दिया 50,000। अब इस क्वेश्चन में हम जो पोर्शन पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, कोई सैलरी कमीशन नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें आइडेंटिफाई कर रहा है या हमें क्वेश्चन सोल्व करवा रहा है सिर्फ गारंटी के लिए, सिर्फ गारंटी के लिए। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो हम उसको डेबिट में राइट करते, सैलरी कमीशन बोनस होता तो हम पेनल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में राइट करते, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता तो हम उसको क्रेडिट में राइट करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्टली अब ध्यान देना, ये 50,000 है, इसमें से डायरेक्टली अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो भी पार्टनर है ए बी और सी तीनों पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल अकाउंट, एक लाइन दो लाइन यहाँ पे छोड़ देना, टू बीज कैपिटल अकाउंट, इसमें भी थोड़ा गैप रखेंगे अपन, टू सीड कैपिटल अकाउंट, इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे राइट कर दिया। अब ध्यान देना, हमारा जो प्रॉफिट था यहाँ पे 50,000 प्रॉफिट है, और इस 50,000 प्रॉफिट को ही यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में मेंटेन किया जाएगा, राइट किया जाएगा। तो देखना, जब हमने पेनल एप्रोप्रिएशन का टोटल किया, पेनल एप्रोप्रिएशन का यहाँ टोटल किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 50,000, यहाँ पे टोटल आ गया हमारे पास, क्योंकि क्रेडिट में 50,000 है, डेबिट में कोई अमाउंट है ही नहीं, तो डेबिट में भी कितना मेंशन कर दिया जाएगा यहाँ पे 50,000, ये यहाँ पे डेबिट में मेंशन कर दिया जाएगा। अब क्या करेंगे, जो 50,000 था जो उसका रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन में जाओ आप, गारंटी बाय द फर्म, फर्म गारंटी दे रही है, तो इसमें सॉल्यूशन क्या था, उसका प्रोसेसिंग क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है, टोटल आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में से जिसको गारंटी मिल रही है उसको पूरी पूरी गारंटी दे दी जाएगी। अब यहाँ पे सी एडमिट हो रहा है, सी 1/3 के लिए था और 1/3 की गारंटी थी यहाँ पे 20,000, यही थी गारंटी, हाँ आगे चलते हैं। हाँ देखना, सी को गारंटी थी 20,000 की, तो हमारा प्रोसेसिंग क्या कह रहा था, जिसको गारंटी रिसीव हो रही है उसको पूरी पूरी अमाउंट पे कर दी जाएगी, तो सी की गारंटी को हमने यहाँ पे पूरा पूरा पे कर दिया। अब उस प्रोसेसिंग में आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट क्या था, उसमें रिमेन प्रॉफिट बैलेंस, जितना प्रॉफिट था उसमें से गारंटी वाले पार्टनर्स को गारंटी दे दी जाएगी, उसके बाद में जो रिमेन प्रॉफिट बैलेंस बचेगा, 50,000 में से 20 दे दिया हमने, तो हमारे पास 30,000 हमारे पास कितना रिमेन रह जाएगा यहाँ पे,
30,000, ये बैलेंस बच गया, 30,000 रिमेन रह गया, बैलेंस बच गया। अब क्या करेंगे, द बैलेंस प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में। 30,000 को 30,000 को ए और बी डिवाइड करेंगे 2:3 में। तो यहां पे डिवाइड, जो हमने गैपिंग दी रखी थी वहां पे इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, 30,000 इंटू 2 अपॉन दोनों का टोटल 5। ऐसे ये ले लेंगे 30,000 इंटू बी का शेयर था 3 अपॉन 5। इस प्रकार से यहां पे इसको सोल्व किया जाएगा। जब इसको सोल्व किया तो 6 बार गया, ये आ गया 12,000, 12,000 ये आ गया 18,000, 18,000। इस प्रकार से 50,000 को जब हमने डिवाइड किया तो गारंटी जिसको रिसीव हो रही थी उसको पूरा पूरा गारंटी की अमाउंट पे कर दी जाएगी। उसके बाद में जो रिमेन अमाउंट थी 30,000 को उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट फॉर्मेट या फर्स्ट केस हमारा क्लियर हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जो हमारा सेकंड पॉइंट है गारंटी बाई पार्टनर, उसकी ओर चलते हैं। तो देखते हैं उसमें किस प्रकार से प्रोसेसिंग की जाएगी। हमारा सेकंड पॉइंट है गारंटी बाय पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर। क्वेश्चन राइट करते हैं एक बार, यहां से क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। ए एंड बी वही रेशियो आ गया 3:2, रेशियो आ गया हमारे पास ए एंड बी का 3:2। सी एडमिट हो रहा है और सी एडमिट वही 20,000 के लिए, यहां 30,000 कर लेते हैं, 30,000 के लिए एडमिट हुआ और उसका शेयर था या रेशियो था 1:2, 1/2, 1/5 के लिए वो बिजनेस में यहां पे एडमिट हुआ। अब गारंटी दी जाएगी, चीज मिनिमम गारंटी है ये। अब गारंटी विल बी पे, गारंटी विल बी पे बाय बी, गारंटी दी जा रही है बी के द्वारा, ध्यान देना, गारंटी विल बी पे बाय बी। हाँ, इसमें नेट प्रॉफिट हम चार्ज कर लेते हैं यहां पे, देखना। अब आप थोड़ा देखने से पता चल रहा है कि गारंटी बाई फर्म है या गारंटी बाई पार्टनर है। पर्टिकुलर इसमें आपको हाईलाइट किया हुआ है, दिया हुआ है कि गारंटी विल बी पे, गारंटी दी जाएगी किसी एक पार्टनर के द्वारा, उसका नाम आ गया, या दोनों पार्टनर मिलके भी यहां गारंटी पे कर सकते हैं। कंप्लीट। अब लेते हैं हम पैनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां बनाते हैं। तो आप पैनल एप्रोप्रिएशन बना ले, देखना पैनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, तो ये हमने पैनल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट यहां पे
क्लियर कर लिया है, ध्यान से सुने समझने की कोशिश करें। पेनल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। पेनल एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ था एक बार उसको राइट करते हैं, उसको फिल करते हैं। तो नेट प्रॉफिट को हमने लिखा है यहाँ पे क्रेडिट में बाई नेट प्रॉफिट, हमने नेट प्रॉफिट लिखा, नेट प्रॉफिट को हमने लिखा है यहाँ पे 50,000। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। अब नेट प्रॉफिट को राइट कर दिया हमने, अब क्या करेंगे यहाँ पे जो प्रोसेसिंग क्या है, ये क्या कह रहा था कि गारंटी किसी एक पार्टनर के द्वारा बोर्न की जाएगी, वहन की जाएगी, या गारंटी किसी एक पार्टनर के द्वारा गिव होगी। जब गारंटी, ध्यान देना, जब गारंटी, व्हेन द गारंटी आर गिवन एनी पार्टनर, जब गारंटी किसी पार्टनर के द्वारा पे की जाती है, दी जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ध्यान देना प्रोसेसिंग में क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटेड ऑफ एनपीएसआर नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान देना, एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यहां पे फाइंड आउट किया जाएगा। तो जो हमारा पैनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना है उससे पहले हमें यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट किया जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, वापस यहां पे इसको प्रिपेयर कर लेंगे। देखना एक बार, ये पॉइंट नहीं आया है। हाँ, एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है इस चैप्टर का यहां क्लोजिंग होगा, इस चैप्टर का इस टॉपिक पे क्लोजिंग हो जाएगा और नया चैप्टर इसी टॉपिक पे स्टार्ट हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखना, वर्किंग नोट लेते हैं, वर्किंग नोट ले रहे हैं हम, कैलकुलेट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एनपीएसआर। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, यहां पे पार्टनर है ए रेशियो बी 2:3, सी पार्टनर एडमिट हो रहा था 1:2 के लिए। अच्छी तरीके से देखना, समझने की कोशिश करना, नया पॉइंट है ये। ए और बी यहां पे पहले से पार्टनर है, सी यहां पे एडमिट हो रहा है और सी कह रहा आप जितना भी अर्न करोगे उसका मुझे 1:2 पार्ट मिलना ही चाहिए। तो ध्यान देना, आप ये देखो कि सी जब बिजनेस में क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, तो पर्टिकुलर सी ने ये कहा क्या कि मेरे को ए से इतना मिलना चाहिए या बी से इतना मिलना चाहिए, कहा क्या इसमें, देखो देखें नहीं कहा, नहीं कहा, वेरी गुड। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है हमें, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हाईलाइट नहीं कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का टोटल लिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो जो ओल्ड रेशियो है इसको बोलते हैं ओपीएसआर। ध्यान देना, अभी रब कर देंगे, बता देंगे ओपीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला जाएगा। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर होगा, तो न्यू पार्टनर को जो शेयर है उसको गिव किया जाएगा ओल्ड पार्टनर के लिए। ध्यान देना, यहां पे पुराने पार्टनर है, इसको कुछ हिस्सा देंगे नहीं देंगे, सीखो देंगे सर, देंगे। तो ये ए और बी क्या करेंगे, सेक्रीफाइस, क्या करेंगे, सेक्रीफाई करेंगे, सेक्रीफाई का मतलब हो गया त्याग या बलिदान करेंगे। तो ध्यान देना, यहां पे अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो में ही ए और बी यहां पे सेक्रीफाई करके इसको पे करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम उसको आगे बढ़ाते हैं, इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे, यहां पे एज्यूम्ड किया जाएगा ए बी एंड सी का टोटल प्रॉफिट निकाला जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहां से। देखना, एज्यूम दैट टोटल शेयर या टोटल प्रॉफिट यहां पे ले लिया हमने 1, हमने ले लिया, एज्यूम दैट टोटल प्रॉफिट 1 ले लिया।
अब टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इन तीनों का आ रहा है, तीनों का हमने कितना लिया, वन लिया। ध्यान देना, वन के अलावा हम यहाँ पे हंड्रेड भी ले सकते हैं, वन के अलावा हम यहाँ पे हंड्रेड ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं हम ए बी और सी का हंड्रेड ले लिया, यहाँ पे ए बी एंड सी का हंड्रेड ले लेते हैं, तो सी का कितना निकलेगा, हंड्रेड में से निकलेगा ये हंड्रेड इंटू टू अपॉन, तो कितना रुपया निकल जाएगा, कितना अमाउंट निकल जाएगा इसका, फिफ्टी। क्या ऐसे ही होगा, यही है। हाँ, हंड्रेड न लेके, हंड्रेड न लेके वन ले रहे हैं, तो ध्यान देना, एज्यूम दैट टोटल प्रॉफिट इज वन। अब आगे कर रहे हैं, सी शेयर, सी का शेयर यहां पे हमारे पास कितना दे रखा है, वन अपॉन टू, तो सी का शेयर ले लिया हमने वन अपॉन टू। ध्यान देना, अगर हमने टोटल में से, टोटल वन है, टोटल में से हमने सी को कितना पे कर दिया, वन अपॉन टू पे कर दिया, अब निकलेगा हमारे पास बैलेंस, बैलेंस शेयर। वन में से वन अपॉन टू को क्या कर दिया जाएगा, यहां पे माइनस कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा, वन लेस वन अपॉन टू। जब वन में से वन अपॉन टू लेस करेंगे, ये प्रोसेसिंग तो आती है आपकी, हमारे पास वन अपॉन टू ही रिमेन रह जाएगा, यही बचेगा। अब ध्यान देना, वन अपॉन टू, अब इसमें आ जाते, इस बात पे वापस आ जाते हैं। अब ध्यान देना, सी को मिल गया, सी को मिल गया कितना, फिफ्टी, और यहां फिर बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कितना बच गया। अब ये जो बैलेंस बचा है, ये किसका है, ए और बी का, ये बैलेंस जो ए और बी का, ए और बी उसको किस रेशो में ले जाएंगे, किस रेशो में वहन करेंगे, बोर्न करेंगे, अपने ओल्ड रेशो में वहन करेंगे, इसी रेशो में वहन करेंगे 50,000 को। तो हम यहां पे आते हैं, हमारे पास बैलेंस रेशियो बचा वन अपॉन टू, वन अपॉन टू को ए और बी ने ओल्ड रेशो टू रेशो थ्री में वहन करेंगे, तो क्या करेंगे, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी होगा ए, ए का निकलेगा वन अपॉन टू, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो से टू अपॉन फाइव से, टू अपॉन फाइव से, या वैस टू अपॉन टेन। आगे चलते हैं, आगे लेंगे हम बी का, बी का भी वही है वन अपॉन टू, मल्टीप्लाई करेंगे हम बी का शेयर है यहां पे थ्री, थ्री अपॉन फाइव, थ्री अपॉन फाइव, तो ये हो गया थ्री अपॉन टेन। ए का आ गया टू अपॉन टेन, बी का आ गया थ्री अपॉन टेन, सी का ले लेते हैं हम यहां पे, सी का देखना, सी कितने रेशो के लिए आ रहा है हमारे पास, वन अपॉन टू के लिए आ रहा है, सी आ रहा है हमारे पास वन अपॉन टू के लिए। तो इस प्रकार से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं हम। हाँ भाई, ध्यान देना, ए बी और सी का न्यू रेशियो आ रहा है, लेकिन जब इसका एलसीएम लेके इसको इक्वल किया जाएगा, तो यहां आ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी। ए बी सी का रेशियो ले लेंगे अपन यहां पे टू अपॉन टेन रेशियो, थ्री अपॉन टेन रेशियो, और वन अपॉन टू रेशियो। एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम ऐसे डिजिट लो आप कि जो हमारे पास जो तीनों डिजिट देर के नीचे उसमें पूरा पूरा डिवाइडेशन हो सके। तो हमने ले लेते हैं टेन, टेन से टेन कट गया, टू आ गया, टेन से टेन कट गया, थ्री आ गया, और टू की टेबल बोली कि टेन आ गया तो फाइव। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या आ गया, टू रेशियो थ्री रेशियो फाइव, ये आया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान देना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास आ चुका है टू रेशियो थ्री रेशियो फाइव। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चलते हैं अपन। अब आगे देखते हैं हम, ध्यान से देखना, न्यू प्रॉफिट ले लेते हैं अपन टू रेशियो थ्री रेशियो फाइव, क्वेश्चन को सोल्व करने में काम में आएगा। अब वापस आप अपने उसी पेज पे आ गए, पेनल ए प्रोफेशन अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किया था,
ध्यान से देखना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन हमने यहां मेंटेन किया था, उसी क्वेश्चन पे हम वापस बढ़ रहे हैं। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट हमने यहां राइट किया था बाई नेट प्रॉफिट 50,000। अब क्या किया था इस प्रोसेसिंग में, जो हमने सॉल्यूशन की बात की थी कि जो हमारा प्रॉफिट है उस टोटल प्रॉफिट को हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 दे रखा है, तो यहां देखा एक बार रफली वर्किंग नोट किया जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 50,000 को डिवाइड किया जाएगा, तो हम यहां कर लेते हैं 50,000 इंटू रेशियो आ रहा है 2:3:5, ये रेशियो है, और इसका टोटल आ गया हमारे पास 10। 0 से 0 कट जाएगा, 1 का आ गया हमारे पास यहाँ पे 10,000, 1 का आ रहा है 15,000, और 1 का आ रहा है यहाँ पे 25,000। ये डिजिट आई है हमारे पास 10,000, 15,000, 25,000। अब इस जो डिजिट आई है ये हमारे पास प्रॉफिट की आई है, प्रॉफिट को यहां राइट किया जाएगा टू एज कैपिटल, ये आया हमारे पास 10,000। अमाउंट में राइट नहीं करके एक बार अंदर राइट करेंगे, फिर थोड़ा एक गैपिंग दे दिया, गैप दे दिया जाएगा टू बीज कैपिटल, बीज कैपिटल में आया हमारे पास 15,000, फिर गैप देखिए हमारे पास आया टू सीड कैपिटल, और सी की जो कैपिटल थी हमारे पास उसको राइट कर लेंगे हम यहाँ पे 25,000, टू सीड कैपिटल 25,000। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये फॉर्मेट में मेंटेन किया। अब आप चलते हैं गारंटी में, तो सी की गारंटी की बात हो रही थी, तो क्वेश्चन आप देखो अपनी नोटबुक में, सी को गारंटी मिल रही थी यहाँ पे 30,000 की, क्लियर भाई, 30,000 की गारंटी थी। अब ध्यान देना, अगर गारंटी कमी होती है, गारंटी की अमाउंट शॉर्ट होती है, तो गारंटी किसके द्वारा बोर्न की जाएगी, बी के द्वारा बोर्न की जाएगी, और गारंटी दी जाएगी 30,000 की, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब सोल्यूशन किया हमने प्रॉफिट मिल रहा उसको 25,000, तो यहाँ पे 5,000 की शॉर्टेज पर है, 5,000 की कमी आ रही, डिफिसिटी आ रही है, इसको बोर्न किया जाएगा बाई बी, तो यहाँ पे राइट किया जाएगा 5,000, ऐड कर दिया जाएगा बी के नाम, बीज गारंटी, बी के नाम गारंटी ऐड कर दी जाएगी, और ये आ जाएगा हमारे पास 30,000, और बी के में से क्या कर दिया जाएगा इसको लेस कर दिया जाएगा, और सीज गारंटी, सीज गारंटी यहाँ पे लेस कर दिया हमारे पास 5,000, सी का टोटल हो जाएगा हमारे पास 10,000, ए ने कोई गारंटी नहीं दी तो ए का पूरा पूरा अमाउंट रह जाएगा 10,000। इस प्रकार से जब इसका टोटल किया जाएगा तो टोटल इक्वल आ रहा है, क्रेडिट साइड का 50,000 है एंड डेबिट साइड का भी यहाँ पे 50,000 है। इस प्रकार से जब गारंटी बाई पार्टनर के द्वारा दी जाती है तो टोटल प्रॉफिट में से टोटल प्रॉफिट को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, और उसके बाद जो डिफिसिटी अमाउंट रहती है वो गारंटी गिवर पार्टनर के द्वारा बोर्ड की जाएगी। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं।